हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे से ही होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था कार्बन रजिस्टर के बारे में, और उसमें न्यूमेरिकल भी बतलाए थे और कुछ न्यूमेरिकल आप लोग को बनाने के लिए भी दिए थे और कमेंट बॉक्स में डालने के लिए भी कहे थे। तो कुछ लोगों ने डाला, उनका जवाब मोस्टली सही निकला। और इसमें और भी न्यूमेरिकल है, लेकिन 12th क्लास के लिए बस इतना ही। जैसा आपको बताए थे कि इसमें चार पट्टियां होती है, चारों का कलर अलग अलग होता है, और उसी कलर को आगे पीछे करके तरह तरह के रंग का नाम दे करके आपसे उसका वैल्यू पूछता है। और इसके लिए टॉपिक आपको एक ट्रिक बतला दिए थे उसमें कि बीबी रॉयल ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइन, उससे सारा कलर निकल जाएगा और उसी पर आप किसी भी रजिस्टर का वैल्यू निकाल सकते हैं। यही आपका हमने पिछले वीडियो में अध्ययन करवाया था। आज का टॉपिक है एक नया टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक 12th क्लास के लिए, और जिसका नाम है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी जिसको हम लोग कहते हैं अति चालक। इसकी कहानी बहुत रोचक है। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि अति चालकता के बारे में कौन बदलाया, ठीक है ना? तो ये सन 1911 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे, जो कहां के थे, नीदरलैंड, जिनका नाम था कैमरलिंग ओन्स। क्या नाम था? कैमरलिंग ओन्स। इन्होंने ही अतिचालकता के बारे में बदलाया था। क्या बदलाया था उन्होंने? तो बदलाया था क्या कि कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता, कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य हो जाने की घटना को अतिचालकता कहते हैं। अतिचालकता कहते हैं। यानी ध्यान देने वाली बात यह है, कौन था, ठीक है ना? क्या बतलाया कैमरलिंग ओन्स ने? कब बतलाया था? 1911 ईस्वी में। कहां के साइंटिस्ट थे? नीदरलैंड के थे। इन्होंने क्या बोला कि कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य हो जाने की घटना को अतिचालकता कहते हैं, और जिन पदार्थों में ये घटनाएं होती है उन्हें अतिचालक कहते हैं। अतिचालक को हम लोग सुपर कंडक्टर कह देंगे, ठीक है ना? ये आपका 12th क्लास में ऑब्जेक्टिव में पूछता है। क्या पूछता है कि कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य हो जाने की घटना कहलाती है। नंबर पहला चालक, दूसरा अचालक, तीसरा अति चालक, चौथा नानाधिक, यानी इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन में रहेगा क्या? अति चालकता। इससे एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बार बार 12th बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो इसको अच्छे तरीके से समझ जाइए। और आगे देखते हैं कि आखिर यह एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर पारे की प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। अगर हम एक बात कहें कि मान लिया जाए कि एक कोई सर्किट है और इसकी सप्लाई यहां से दी गई है, करंट का कंडक्शन हो रहा है। अगर हम इस सोर्स को हटा करके और इसे ऐसे कनेक्ट कर दें, तो बतलाइए क्या इसमें करंट का फ्लो होगा? तो आपका जवाब होगा कि कहां से होगा, होबे नहीं करेगा। जब एक में कोई सोर्स नहीं, वोल्टेज नहीं देवल गया है, तो कैसे करंट का कंडक्शन होगा? लेकिन यह केस सुपर कंडक्टर में
अगर यह सर्किट सुपर कंडक्टर है तो एक बार एक्सटर्नल सोर्स से करंट का कंडक्शन करवा दें और करवाने के बाद में सोर्स को हटा दें तो इसमें घंटों दिनों सप्ताहों महीनों तक करंट का फ्लो होते रहेगा, है ना आश्चर्य वाली बात। लेकिन ऐसा तो हमारे आसपास तो दिखाई देता नहीं है। हम लोग के पास अगर देख लीजिए कि हम लोग के घर में बिजली आती है तो क्या रहता, एक बार कनेक्शन देने के बाद में तार वगैरह मोड़ के घर में रख लेते और करंट का कनेक्शन महीनों तक होते रहता। लेकिन ऐसा तो पॉसिबिलिटी है नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तार आपका सुपर कंडक्टर तो है नहीं। एक कंडीशन किसमें आ रहा है? सुपर कंडक्टर में आ रहा है। वैज्ञानिक इस पर प्रयोग परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन यह सुपर कंडक्टर यानी सुपर कंडक्टिविटी कब संभव है? जब टेम्परेचर लो रहे यानी कम ताप पर, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पर यह पॉसिबिलिटी अभी नहीं हो पाया है, ठीक है। इस पर साइंटिस्ट प्रयोग और परीक्षण कर रहे हैं। अगर ये हो जाएगा तो आपके फिजिक्स में बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। जब रूम टेम्परेचर पर ऐसी चीज होने लगे तब, तो हमने आपको यह बतलाया अगर ऐसा है इसका यूज यानी इसका प्रयोग में आ जाओ कि प्रयोग में क्या हो सकता है यानी उपयोग में क्या कर सकते हैं। इससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जा सकता है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत विद्युत चुंबक। दूसरा, इसका प्रयोग उपयोग में आप क्या कर सकते हैं? तो बिना ऊर्जा के हानि को हम लोग विद्युत धारा को या एक जगह से दूसरे जगह पर भेज सकते हैं। और क्या इसका उपयोग हो सकता है? इसका उपयोग करके सुपर कंप्यूटर, वेरी फास्ट सुपर कंप्यूटर को बनाया जा सकता है। तो यह था आपका अतिचालकता, और अतिचालकता में बेसिकली आपको कितने पर पूछता है, ऑब्जेक्टिव एक सवाल मोस्टली आते हैं एक नंबर का, जिसको हम लोग कहते हैं कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य हो जाने की घटना क्या कहलाती है? अतिचालकता कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, ले लीजिए। तो समझ में आया हो सुपर कंडक्टिविटी है कि नहीं? एक बार और आपको बोल देते हैं इसमें कि कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य हो जाने की घटना क्या कहलाती है? अतिचालकता कहलाती है। यह लाइन इंपॉर्टेंट है आपका, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, जैसे रजिस्टर है पिछले क्लास में पढ़े थे, अब आपको पढ़ना था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर यानी प्रतिरोधकों का संयोजन या समूह। लेकिन इसके पहले आपको जरा सा दसवां क्लास का टॉपिक है ओम्स लॉ, ठीक है ना, ओम्स लॉ को बस जरा सा अध्ययन दिमाग में कर लेते हैं, तब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में आएंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल में आएंगे, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ 10th क्लास का ही टॉपिक है, कोई भारी टॉपिक तो है नहीं, ठीक है ना। कब? 1826 ईस्वी में आया था, जॉर्ज साइमन ओम ने लाया था। ओम ने क्या बतलाया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, अब ये देखिए भौतिक अवस्थाएं क्या होता है, तो भौतिक अवस्थाएं में ताप आ गया, दाब आ गया, घनत्व भी आ गया, तो मोस्टली इसमें सबसे ज्यादा जरूरी वाला चीज क्या है? टेम्परेचर यानी ताप। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत हो तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर एवं चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात नियत होता है। क्या बोले? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं में कौन आ गया? ताप आ गया, दाब आ गया, घनत्व आ गया, तो ये सब नियत हो मतलब स्थिर हो तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर
चालक में प्रवाही धारा का अनुपात ये दोनों क्या रहता है, नियत रहता है। यानी हम कह सकते हैं भी बटा आई बराबर नियतांक, भी बटा आई बराबर में नियतांक। और इसी नियतांक के बदले में हम क्या लगाते हैं, आर। क्या लगाते हैं, आर। जहां आर क्या होता है किसी चालक का, जहां आर क्या होता है, चलिए हाँ, जहां आर को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जरा सा चेंज कर दिए हैं परिभाषा में, दसवें क्लास में आपने क्या पढ़ा होगा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था नियत हो तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर चालक में प्रवाही धारा के समानुपाती होता है। यानी भी समानुपाते आई, असमानुपाते का चिन्ह हटा करके हम लोग आर लिखते थे, जहां आर क्या है तो किसी चालक का प्रतिरोध है। यही से भी बराबर क्या दिया, आई आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, भी बटे आर हो जाएगा ना। और जब प्रतिरोध आपको पढ़ा रहे होंगे तो आर बराबर में पढ़ाए थे भी बटे आर। सब एक दूसरे का पूरक है, यानी सब इसी को आगे पीछे गुना करके भागा दे करके लाया गया है। तो यही है बेसिकली आपका ओम का नियम, ठीक है ना। ओम का नियम में अब 12th क्लास में आपसे पूछा जाएगा, ये तो थोड़े ना पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा कि ओमीय चालक किसे कहते हैं, अनओमीय चालक किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे हम लोग ओमीय चालक कह देंगे। जैसे में सभी धातु, इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, ध्यान से सुनते रहो, पेन ले लो, कॉपी ले लो, और जो बुलेट पॉइंट लगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, उसको खुद नोट कर लिया करो, ठीक है ना। पढ़ने का यही तरीका है, हम यहाँ का लेक्चर दे रहे हैं, पूरा का पूरा सारा चीज लिख नहीं सकते हैं, इसलिए मुंह से बोल रहे हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, सुनिए, लिखिए और उसका नोट्स बनाइए, वही आपको काम देगा फ्यूचर में। जैसे में सभी धातु, चलिए इसको एक बार और बता देते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ओमीय चालक किसे कहते हैं, क्या जवाब देना है, वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमीय चालक कहते हैं। जैसे में, तो जैसे में सभी धातु, क्लियर, कोई दिक्कत। वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनओमीय चालक कहते हैं। अनओमीय चालक में जैसे में, तो अर्ध चालक डायोड, अर्ध चालक डायोड, ठीक है ना, अर्ध चालक डायोड। चूंकि हम इसका नाम इसलिए लिया क्योंकि यह आपको अगले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, क्लियर, कोई दिक्कत। देखिए कभी कभी ऐसा सर्किट होता है इससे वोल्टेज और करंट का मान, प्रतिरोध का मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो जब सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो वहां ओम का नियम फेल हो जाता है, ओम का नियम काम नहीं करता है, तब वहां किरचॉफ्स का नियम लगाएंगे। तो किरचॉफ्स का नियम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल अभी दसवां लेवल का चीज था, इसको आप अच्छे तरीके से समझ जाइए, इसका और डिटेल यहाँ पर आगे की ओर चलेंगे। लेकिन इसमें दो चीज है, क्या याद रखिएगा, ओमीय चालक और अनओमीय चालक, क्लियर हो गया। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते आगे की ओर, रेडी, तो क्लियर हुआ, दिमाग में रहेगा, है कि नहीं, ओमीय चालक और अनओमीय चालक। अब हम लोग चलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, है कि ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, यानी प्रतिरोधकों का संयोजन, ठीक है ना। तो पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संबंध। सीरीज को क्या कहेंगे, श्रेणी, इसको पहचानेंगे कैसे, ठीक है ना। देखिए हमने ये बनाया, जब प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, एक ए मान लेते हैं, ई बी मान लेते हैं, ई सी मान लेते हैं, आई डी मान लेते हैं,
ये आपका भी है और यहां से गया कौची आई। क्लियर। प्रत्येक प्रतिरोध का ही पहला सिरा ही दूसरा सिरा, पहला सिरा दूसरा सिरा, एकर नाम हम आर वन, एकर नाम आर टू और इसका नाम हम आर थ्री लिख देते हैं। तो आर वन प्रतिरोध का दूसरा सिरा आर टू प्रतिरोध के पहले सिरे से जुटा हुआ है, आर टू प्रतिरोध का दूसरा सिरा आर थ्री प्रतिरोध के पहला सिरा से जुटा हुआ है। तो जब प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहे तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन या समूहन कहते हैं। पहचानने का तरीका समझ में आ गया। श्रेणी क्रम समूहन में करंट सेम रहता है लेकिन विभवांतर चेंज हो जाता है। आर वन का कितना होगा वी वन, आर टू का कितना वी टू, और आर थ्री का कितना हो गया वी थ्री। इससे क्या सीखने को मिला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का विभाजन नहीं होता है। आई है तो आई एक्रो में रहेगा, आई एक्रो में रहेगा, आई एक्रो में रहेगा, ठीक है ना। और कौन बट रहा है तो वोल्टेज बट रहा है। हमारे आसपास दैनिक उपकरण देखो चलने वाला बल्ब है लिखा रहेगा 220 वोल्ट 10 वाट, पंखा है 220 वोल्ट 5 वाट या 15 वाट, जो भी है पंखा कोई भी चीज, तो उसमें वोल्टेज कितना चाहिए 220 वोल्ट। आ जरा सोचो कि बल्ब को भी चाहिए 220 वोल्ट, पंखों को चाहिए 220 वोल्ट, भले एंपियर जरा सा 1920 हो गए, ठीक है ना। आपको टीवी को चाहिए कि 220 वोल्ट, और सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए तो पहलका वाला के तो पहले ही 220 वोल्ट मिल गया, तो पीछे वाला कहेगा कि हमको चाहिए है इतना देर कितना पोल पर से कितना आया है 220 240 सही आता है। तो सब यही है कि यहां पर वोल्टेज क्या होगा जरा 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 सा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, जिस चीज को परफेक्ट वोल्टेज नहीं मिलता है और उपकरण काम नहीं करता है। इसका मतलब यह नहीं कि सब में करंट नहीं जाएगा, सब में करंट जाएगा, और जाएगा करंट लेकिन उपकरण काम नहीं कर रहा है। तुमको लगेगा कि कहीं ना कहीं से कनेक्शन टूटल है, अगर गया छुआ जाकर के तो बुझा जाएगा तुरंत कि करंट कैसे लगता है। चलिए तो देखते हैं यहां पर कि जब प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है तो इस प्रकार के समूहन को हम लोग श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब श्रेणी क्रम समूहन में चलते हैं तो यहां पर क्या बट रहा है वोल्टेज, तो यानी भी यहां से दिए हैं यही ना तीन भाग में बटा है जी, तो यानी भी बराबर क्या मैं भी वन प्लस भी टू प्लस भी थ्री नहीं लिख सकता हूं, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक कोई दिक्कत, यही भी ना तीन भाग में बटा है जी, तो बट गया तो तीनों के जोड़ेंगे तो भी के बराबर नहीं होगा। क्लियर। अब क्लियर यदि हो गया तो तुमको ओम के नियम से, इसीलिए हमने पढ़ाया ओम का नियम पढ़ाया कि नहीं, ताकि आपको अब यही डायरेक्ट बताते तो तुम कहता कि सर ई कहने से आ गया ओम का नियम, इसलिए थोड़ा सा बता दिए वीडियो में कि ओम का नियम किसे कहते हैं। बताइए ओम का नियम क्या बोलता है, भी बराबर आएगा है कि नहीं। तो समीकरण एक से आओ, तो समीकरण एक से आ जाओ तो भी बराबर लिखा हुआ है भी वन प्लस भी टू प्लस भी थ्री, भी का मान कितना होता है आई आर, तो हम यहां आई आर लिख देते हैं। भी वन, भी वन में आ जाइए, यहां है देखिए भी वन, इसमें तो करंट आई जा रहा है लेकिन इसका प्रतिरोध कितना है आर वन, तो इसको भी वन की जगह तो आई भी बराबर आई आर होता है लेकिन भी वन है इसमें आई तो सेम है जी, बदला तो चीज आर वन धरा गया तुम्हारा, भी टू बराबर का होगा आई आर टू, और भी थ्री बराबर का होगा आई आर थ्री, का निकला कॉमन आई, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आई साई क्या हो गया कैंसिल, तो आर इक्विवेलेंट आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। देखिए हमने क्या लिखा इक्यू, इक्यू का मतलब इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब समतुल्य, यानी इतना के समतुल्य ये रहेगा। ये कैसे लगेगा जब आपको न्यूमेरिकल बताएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल सीरीज कॉम्बिनेशन कहेगा प्रतिरोधों के श्रेणीकरण समूह, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आर इक्विवेलेंट बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। क्लियर हुआ। यदि आप चाहिए फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आगे बढ़ते हैं।
है ना फिर। एक आपका है कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है तो देख लीजिए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रत्येक प्रतिरोध आपका एक बिंदु ए से और दूसरा, प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु ए से और दूसरा सिरा एक अन्य बिंदु कैपिटल बी से जुड़ा रहता है। यहां भी यहां से आई निकला, सर्किट को समझना है जी, समझ गए तो न्यूमेरिकल आराम से आएगा समझ में। यहां से देखिए पोटेंशियल दिए, कनेक्शन सप्लाई हो गया, करंट निकला 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 जा रहा है, जैसे ही यहां पहुंचा इसके लिए तीन रास्ता खुल गया और आई जो है ये तीनों से निकलना शुरू किया, यानी यहां पर करंट कई भाग में बट गया, तीन भाग में, तो पहले का वाला के नाम दे दिए आई वन, दूसर का के आई टू और तीसर का के आई थ्री। ये तीनों ऐसे आया आकर के वापस इसमें जुट गया, फिर से क्या बना दिया, आई बना दिया। ये इस पॉइंट का नाम है बीजी, इसका नाम हमने आर वन, इसका नाम आर टू और इसका नाम आर थ्री। देखिए आर वन का प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक ही बिंदु से जुटा है, दूसरा सिरा एक अन्य बिंदु से, और ये दोनों किससे जुटा, भी से, इसके सिरों के बीच का विभवांतर भी हो गया, इसका भी और इसका भी, देख लो बढ़िया से। लेकिन करंट बट गया, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसका विभाजन होता है, करंट का विभाजन होता है, और श्रेणी क्रम समूहन में किसका विभाजन, तो वोल्टेज का विभाजन होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए इस पर आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि आपके घर का जो वायरिंग यानी घरेलू वायरिंग किस प्रकार से कौन से कॉम्बिनेशन में होता है, तो बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन जब हम आपको पढ़ाएं तो कनेक्शन इस प्रकार से था, और कनेक्शन जब इस प्रकार से था तो जरा सोचो अगर कहीं से यहां पर शॉर्ट लग गया, चाहे कोई तारे काट लिया, तो बताओ करंट का सप्लाई हो रहा है जी, बिजली से ना पुल टूट गया तो यहाँ पर धारा का प्रवाह रुक जाता है, यानी पूरा उपकरण जितना उस सीरीज में जुड़ा हुआ है सब काम करना बंद कर देगा। क्लियर। लेकिन पैरेलल में आ जाओ, तब पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर भी है। अगर मान लिया जाए कि इस शॉर्ट लग गया, मान लिया तुम्हारे घर में तीन रूम है, कभी कभी ऐसा हो गया कि एक रूम दादाजी का रूम है तो दादाजी के रूम में पंखा चल ही नहीं रहा है और आपके रूम में पंखा चल रहा है, दादाजी के रूम में लाइट है ही नहीं, शॉर्ट लग गया, दादाजी के रूम का लाइट खत्म हो गया लेकिन आपके रूम का लाइट है, ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि कनेक्शन पैरेलल में है। अगर मान लिया जाए कि खत्म, इसमें केवल करंट फ्लो नहीं हो रहा है लेकिन बाकी दो रूम में देख लीजिए नहीं हो रहा है क्या। क्लियर। तो आपसे पूछा जाएगा कि घरेलू वायरिंग यानी किस कॉम्बिनेशन में, तो बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर। तो देखिए यहां से क्या बटा जी, क्या बटा यहां से, तो यहां से बटा करंट, यानी आईए जो था कई भाग में बटा है, तीन भाग में, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री कर देंगे तो आई का मान निकल जाएगा, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओम का नियम लगा दो फिर से, ओम का नियम क्या बोला, वी बराबर आई आर, तो का आई बराबर में वी बटा आर नहीं हो सकता है, जब हो सकता है तो यहां से चलिए समीकरण कौची से एक से, तो समीकरण एक से चलेंगे तो आई बराबर का एक बराबर लिख देते हैं बढ़िया से, ठीक है ना, आई बराबर क्या वी बटे आर नहीं होगा, देखो ना जी भैया है आई वन, आई वन में चलेंगे तो वी तो सेम है लेकिन कौची नहीं, इसका हो जाएगा भी बटे आर, भी बटे आर उसी का भी बटे आई थ्री के क्रम जा रहा है आर थ्री में, आई टू के क्रम में जा रहा है आर टू में, आई वन के क्रम में जा रहा है आर वन में, तीनों में का कॉमन निकला, भी निकला तो वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस में वन बाई आर थ्री, भी से भी कौची कैंसिल, तो वन बाई आर इक्वी वैलेंट इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। ये आपका हो गया कौन सा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला,
पैरलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला। मेरे ख्याल से आज हमने सीखा सुपर कंडक्टिविटी के बारे में, फिर हमने सीखा ओम्स लॉ, फिर हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है ना। इन सारे चीजों पर जैसे सीरीज पढ़े पैरलल का तो एक पर बहुत सारा सर्किट आता है सॉल्यूशन कि प्रतिरोध का मान, समतुल्य प्रतिरोध निकाले, कितना करंट होगा, कितना वोल्टेज होगा, इस पे तरह तरह के न्यूमेरिकल आपके आने वाले हैं। और आज केवल इसका बेसिक थ्योरी दे दिए, अगला क्लास जब होगा तो हम तरह तरह के इस पर न्यूमेरिकल को बतलाएंगे। और मेरे ख्याल से यदि आपको आज का वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुंचे, ठीक है ना। है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो बहुत जल्दी ला देंगे, ठीक है ना। बीच में कहीं चले गए थे जिस कारण से वीडियो आने में हमारा 5 दिन का समय लग गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। मिलते हैं अगले वीडियो।